महाराष्ट्र में शासन कर रही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दो ऐसी पार्टियां हैं जिनकी पॉलिटिक्स के सेंटर में रहा है हिंदू। मुसलमान न पसंद रहे न वोट बैंक है। माना गया कि लोकसभा में मुसलमानों के वोट भर भर के एमवीए को मिले, जिसका नुकसान महायुति को हुआ। लोकसभा चुनाव में महायुति की करारी हार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पलटी है। जो ना पसंद रहे न वोट बैंक, उनको लुभाने के लिए शिंदे सरकार ने बड़ा गेम प्लान किया है। हो सकता है लोकसभा में मुसलमानों वाला इफेक्ट विधानसभा चुनाव में भी दिखे। एक ऐसा सर्वे आया है जिसमें उद्धव ठाकरे मुसलमानों के फेवरेट बनकर उभरे हैं। देश के बड़े चुनावों पर नजर रखने वाले CSDS लोकनीति ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सर्वे पेश किया है। सर्वे 5 अक्टूबर से पहले यानी हरियाणा में कांग्रेस की हार का रिजल्ट आने से पहले किया गया है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी ऐसा नंबर तो नहीं दिया गया, लेकिन लीड किसको मिल रही है इसका ट्रेंड इस तरह से निकाला गया कि किस समुदाय, किस जाति, किस इनकम ग्रुप से किसको वोट कितना सपोर्ट मिल रहा है। सर्वे की बिग पिक्चर ये है कि मामूली अंतर से ही सही एमवीए महायुति से आगे चल रही है। मुसलमान वोटरों के मूड मिजाज को लेकर CSDS लोकनीति के सर्वे का निष्कर्ष चौंकाने वाला है। मुसलमान वोटरों में एमवीए की लीड 48% निकल कर आई है, यानी मुसलमान वोटर एमवीए को जिता रहे हैं। सीएम की दावेदारी में उद्धव ठाकरे बड़े अंतर से एकनाथ शिंदे से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले तो सीएम पद पर उद्धव ठाकरे की लीड लगभग डबल है। इसकी बड़ी बात यह है कि मुसलमान दिल खोलकर उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। 52% मुसलमानों की सीएम की पसंद उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना का नाम निशान नहीं है, वो तो एकनाथ शिंदे के पास चला गया। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना UBT के सर्वे सर्वा हैं। उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी की विरासत सौंपी थी। मुसलमान बाला साहेब की भी पसंद या प्रायोरिटी नहीं होते थे। पसंद तो कांग्रेस भी नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जा मिले। उद्धव के इस दांव से शिवसेना की राजनीति ने 360 डिग्री यू टर्न लिया। कांग्रेस शिवसेना NCP सरकार बन गई, उद्धव ठाकरे CM बन गए, BJP शिवसेना के रिश्ते खत्म हो गए। एकनाथ शिंदे BJP ने आज तक उद्धव ठाकरे के खिलाफ कैंपेन चलाया हुआ है कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विचारधारा छोड़ दी। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाली लाइन का त्याग नहीं किया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया जिससे मुसलमानों के फेवरेट बने। ना इफ्तार की, ना दावतें की, ना टोपी पहनकर नमाज पढ़ने गए, फिर भी CSDS के सर्वे में मुसलमानों के लिए फेवरेट बनकर उभरे हैं उद्धव ठाकरे। अगर CSDS के सर्वे में उद्धव ठाकरे मुसलमानों की पसंद बन रहे हैं तो ये बहुत संभव है कि कांग्रेस के कारण ये फायदा मिल रहा हो। सीएम के टॉप 5 दावेदारों में कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं है। एमवीए ने सीएम दावेदार फाइनल नहीं किया है। हो सकता है उद्धव ठाकरे को भावी सीएम और एमवीए का सीएम उम्मीदवार मानते हुए मुसलमान अपनाने के लिए तैयार हुए हों। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 12% मानी जाती है। उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, मुंबई, पश्चिमी विदर्भ की करीब 45 सीटों पर मुसलमान वोटर असरदार माने जाते हैं। 38 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें मुसलमानों की आबादी 20% मानी जाती है। 2019 में 10 में से 9 मुसलमान उम्मीदवार मुसलमान बहुल सीटों से जीते थे। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का मंथन करते करते बीजेपी नेता डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस थ्योरी लेकर आए वोट जिहाद का। फडणवीस ने दावा किया कि 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी वोट जिहाद के कारण हारी। एक विशेष समुदाय ने हिंदू उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक मतदान किया। दूसरे समुदाय के लोगों को विश्वास हो गया कि वो कम संख्या में भी हिंदुत्व को हरा सकते हैं। फडणवीस ने कभी उन 14 सीटों के नाम नहीं बताए, लेकिन सरकार के रास्ते इसका तोड़ निकाला है। मुसलमानों के दिलों में जगह बनाने की चाल चली है। जुलाई में शिंदे सरकार ने सीएम तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी। महाराष्ट्र के अलग अलग धर्मों के 66, महाराष्ट्र के बाहर 73 धार्मिक स्थलों को शामिल किया। मुसलमानों के एक भी पवित्र धार्मिक स्थल को शामिल नहीं किया गया इस योजना में। सरकार 60 साल प्लस वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए 30,000 देती है। शर्त यह है कि सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। हल्ला मचना ही था। लोकसभा चुनाव के बाद बहाना भी मिला। तीर्थ दर्शन योजना में अब जोड़ा गया है दरगाहों को। मुंबई की हाजी अली दरगाह, कल्याण की हाजी मलंग दरगाह, भिवंडी की दीवान शाह दरगाह समेत लोकप्रिय दरगाहों को योजना में शामिल किया गया है। हल्ला अब भी मच रहा है कि मुसलमान वोटों के लिए सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना में दरगाह जोड़ी है। क्या पता कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बड़े वोट बैंक में
सेंध लगाने के लिए महायुति ने मुसलमानों के लिए तीर्थ का जाल बिछाया हो।